बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको ये अपनी घड़ी जोड़ के दिखाऊंगा जो मैंने खोली हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं। इसका होता यह है कि याद रखने के लिए कि कोई भी इसकी जो कंपोनेंट है वो दूसरी जगह आसानी से फिट नहीं होता। इसका यही तरीका है एक जोड़ने का। वैसे आप देखेंगे तो आप बहुत परेशान होंगे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं ये। तो ये जो लंबी है इसकी, ये तो नज़र आ रही है कि जारी बात है, यहाँ पे लगेंगी जो नीचे ये सेकंड वाली है सुई। अभी हम इसमें सेल डाल के देखेंगे कि ये थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हमें, तो अब नज़र आई है इसकी मूवमेंट बेसिकली। ये हम देखें, ये मेन इसका मोटर है। तो ये फुली तो नहीं चलती, फुली तभी चलेगी जब इसके ऊपर ऐसे सेंटर में आएगी तो। लेकिन ये है कि थोड़ी
थोड़ी बहुत इसको मूवमेंट नज़र आती है कि मिलती है, कोशिश करती है चलने की। तो इस तरह आप इस सेल निकाल लें दोबारा और दोबारा इसके अपने कंपोनेंट लगा दें। भी इसका ये है कि ये आप बंदा सोच रहा होता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल कि ये आपने लगाना है और जितने ये आप नज़र आ रहे हैं सुराख इनमें जाना है, लेकिन आप देखें अगर यहाँ पे टच होगा तो वो फिसल के अंदर चला जाएगा, सुराख में ऐसे बने हुए हैं ये। तो बस ये स्टेप तो ये एक दो बार ट्राई करने से हो जाते हैं। सेंटर में रख के तो इसको भी आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है। एक और चीज़ रहेगी ये, वो इसकी ये नाप है, ये भी हम इसको इसमें पहले डाल लेते हैं ताकि इसका इशू ना बने। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सबसे मुश्किल काम है, आखिरी एंड वाला, कि सब अपनी जगह पे बैठनी चाहिए। तो अब इसको आपने बराबर इसको जोर लगाना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको आवाज़ आएगी, और उसके बाद आपने इसमें सेल डाल के देख लेना है। और मेन जो आप सेकंड वाली सुई ये लगाएंगे अगर ये चल पड़ी तो इसका मतलब है आपने मैक्सिमम इसकी गिरारियां सही लगा दी। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसको हम इसकी अपनी जो हाउसिंग है उसमें डाल देंगे। अभी मैं आपको इसकी सुइयां लगाने का तरीका बताऊंगा कि इसमें आपने सुइयां किस तरह लगानी है। सुइयां इसमें आप इस तरह लगाएंगे कि ये तो इसकी है अलार्म वाली सुई, ये आप कहीं भी रखने, इसकी सेटिंग बाद में होगी। बल्कि इसके दो स्क्रू हैं, ये यहाँ लगेंगे, वो पहले लगा लेते हैं। अब आपने लगा दी अलार्म वाली सुई, उसके बाद लगाएंगे हाथ वाली, घंटे वाली, और इनकी इन गन दोनों की सेटिंग पहले कर लेनी है। वो इस तरह होगी कि आप इसमें अपनी नाभें लगा के अलार्म वाली और टाइम मिलाने वाली यहाँ पे ये आवाज़ देगी क्लिक की, वहाँ आपने ये वाली सुई ले जानी है।
तो अब इसने 3 पे ली है, तो मैं इसको हाथ से 3 पे ले जाऊंगा कि इसकी पोजीशन ये वाली एक्यूरेट है जहाँ पे इसका अलार्म सिस्टम ऑन होगा। तो एक बार फिर ट्राई कर लें, बल्कि अभी आप इसको रोटेट करें 3 वाली हार वाली को बटन से, और आप देखें कि आवाज़ आती है या नहीं आती है। कोई फ़र्क हो तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये पहले हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, आगे होगी। अभी हम बाकी लगाएंगे, उसके तरीके ये आप इसको 12 पे ले जाएं। ट्वेल्व पे लेके जाने के बाद इसकी जो सेकंड सुई मिनट्स वाली वो लगा दें, और सबसे आखिर में लगा दें सेकंड वाली। इस तरह आप इन लाइन लगाएंगे तीनों, और देखें घड़ी चलना शुरू हो गई। तो अभी आप इसको रोटेट करेंगे, कोई भी टाइम मिलाएंगे, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30, तो मैं 1:30 पे रख देता हूँ। तो इस तरह इसका आखिरी स्टेप रह गया इसका शीशा लगाने वाला, तो वो हम लगाते हैं इसका शीशा। ये नहीं, ये हमारी घड़ी कंप्लीट होगी, और ये आप देखें दोनों वायर, तो ये इनको शार्ट करेगी और हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियो डालता रहूँ। शुक्रिया।